सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बलजीत। एंड बसरस मेरा लोगो है जो आप हर वीडियो में मेरे एक कॉर्नर पर देख सकते हैं। और आज मैं प्रीत विहार गुफा वाले टेंपल में आया हूँ, जो कि प्रीत विहार का बड़ा ही प्रसिद्ध टेंपल है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए। मैं खुद बड़ा क्यूरियस था इसको देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप सामने शिवलिंग, और बड़ा ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। ये देखिए हनुमान जी, ऐसे खूबसूरत तरीके से इसको आर्ट किया गया है। इसकी आर्ट ही देख देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, और कई जगह तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि जाना कहाँ है। इस तरीके से इसको अद्भुत भूल भुलैया सा टेम्पल है ये एकदम। अभी मैं आपको यहाँ पे दो गुफा भी हैं जो बहुत फेमस है, अभी दिखाऊंगा आगे। ये देखिए गणेश जी, बहुत बड़ी मूर्ति है। जब आप ये सामने से देखेंगे, ऊपर जाके आप ऊपर भी जा सकते हैं इसके पास में। और ये देखिए यहाँ से कैसे डिजाइन किया गया है इसको, बहुत अच्छा डिजाइन किया है। सामने ही शिव जी विराजमान है, देख सकते हैं कैसे ही लीला रचाई गई है। देखिए आसपास कैसे दिखाया गया है। ये प्रीत विहार का बड़ा ही सनातनी धर्म एक बड़ा प्रसिद्ध टेंपल है, और यहाँ से ये पहली गुफा है हमारी। ये देखिए यहाँ से गुफा को सामने ही, अभी मैं दिखाऊंगा, सामने ही शेरावाली माता है और साथ में ही हनुमान जी विराजमान है। बड़ी ही अद्भुत तरीके से दिखाया गया हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बड़े प्यार से दिखाया गया। क्या टेंपल बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से टेंपल बनाया है। बड़ा ही मज़ा आएगा जब आप उसको सामने से देखेंगे। ये देखिए सामने माँ वैष्णो और शेरावाली माता, और ये सामने, और ये अभी हम बाहर आ गए। देखिए कैसे डिज़ाइन किया गया। और ये अभी हमारी एक सेकेंड की गुफा है, चलिए चलते हैं अंदर। जो सबसे फेमस गुफा यही है, आपको यहाँ पे वैष्णो देवी जी के साक्षात दर्शन होंगे। एकदम ऐसा लगेगा बिल्कुल वैष्णो देवी ही आए हैं। यहाँ पे पानी भी होता है, लेकिन अभी पानी नहीं है, लेकिन गुफा बड़ी शानदार बनाई गई। देखो अभी हम चलेंगे अंदर, अभी दिखाऊंगा आपको और साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन कराऊंगा। 120 फीट लंबी ये गुफा है, ये देखिए, ये देखिए कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया गया। ये देखिए हनुमान जी, ऐसा लगता है साक्षात एकदम सामने ही हनुमान जी विराजमान है। और कैसे डिज़ाइन किया गया देखिए, बड़ा ही अद्भुत तरीके से इसको दिखाया गया है। और ये है सामने महा वैष्णो, बिल्कुल साक्षात महा वैष्णो के दर्शन होंगे आपको यहाँ पे। आपको सामने जाएंगे, यहाँ पे पंडित जी थे, और जब यहाँ से एग्जिट करेंगे गुफा को, तो सामने ही भैरव जी बैठे हुए हैं, एकदम विराजमान हैं एकदम। आए तो जरूर दर्शन करें। और ये देखिए कितने खूबसूरत से इसको डिजाइन किया गया, क्या आर्ट है। देखिए देखिए कैसे डिजाइन किया गया इसको, और यहाँ से एग्जिट है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा शिवलिंग, बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। 56,000 किलोग्राम का एक ये शिवलिंग है, जिसमें 12 स्वरूप मौजूद हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सामने देख सकते हैं। ये देखिए ये नंदी जी हैं, यहाँ पे ये कावड़ी आए हुए थे उस टाइम जल चढ़ाने के लिए। ये देखिए सामने 12 ज्योतिर्लिंग शिव दिखाए गए हैं इसी में, बड़ा ही अद्भुत तरीके से इसको दिखाया गया। और अभी ये नीचे एक टेम्पल है सामने, उसके तो आपको दर्शन करना ही पड़ेंगे जब आप जाएंगे। ये देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा टेम्पल बनाया गया है, बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम था, 6:30 बजे मैं गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। और जब सावन के महीने में हर मंडे के दिन रविवार को बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे, स्पेशली गार्ड्स रखे जाते हैं उस टाइम। तो आप देख लीजिए, अगर मंडे को आएंगे तो ध्यान रखिए कि बहुत भीड़ होती है। सो गाइज, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने अपने पूरे एक टेम्पल की कवर करने की कोशिश करी है। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। सो दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, गुड बाय।